हेलो स्टूडेंट्स, एक आपके साइड से बहुत ज़्यादा क्वेरी जो मुझे रिसीव हो रही है वो है सीजीएल को लेके, कि क्या एक बैंकिंग एस्पिरेंट को एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप करना चाहिए या नहीं। तो मैं कहता हूँ ज़रूर फिल करना चाहिए, मैंने भी किया था, और आपको ज़रूर फिल करना चाहिए। जब तक अनएम्प्लॉयड हो, जब तक जॉब नहीं लग जाती, सारे फॉर्म फिल करो। इसका एक मोटा रीज़न ये है, जो आपका सीजीएल का एसएससी सीजीएल का डिफिकल्टी लेवल है ना, वो आपके बैंकिंग एग्जाम के, चाहे क्लर्क से कंपेयर कर लो, उसका आधा है। ठीक है, आधा डिफिकल्ट है बस। अगर मैं किसी भी बैंक के क्लरिकल एग्जाम को 100% कहता हूँ ना डिफिकल्ट है, तो आपका एसएससी सीजीएल उसका 50% ही डिफिकल्ट है बस। बट यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर बच्चा एसएससी सीजीएल के पीछे लगा हुआ है। कोई भी स्टूडेंट है ना, वो बैंक के बारे में बाद में सोचता है, क्योंकि पता होता है डिफिकल्ट 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 है, बट वो पहले दिमाग में आ जाता है कि सीजीएल, तो पूरी दुनिया ना सीजीएल के पीछे लगी हुई है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है कि हर बच्चा सीजीएल देगा। अदरवाइज पेपर काफ़ी डुएबल आता है, पेपर ईजी आता है, आपको ज़रूर फिल करना चाहिए। और थोड़ी बहुत चीज़ें ही हैं, जैसे एडवांस मैथ हो गई, या दो चार टॉपिक्स आपके रीजनिंग के हो गए, या थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस जो एडिशनल आपको पढ़नी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, तो अगर मैं बोलूँ डेली का 2 घंटा भी दे दोगे, तो आप साथ के साथ सीजीएल भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, कि किस सब्जेक्ट में क्या एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड है इन एडिशन टू द प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग। ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक बटन प्रेस कर दें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में बता दें। डिटेल्ड वीडियो की सीजीएल की तैयारी बैंक की तैयारी के साथ साथ कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं शाम को लेके आता हूँ। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।